हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी स्टेसफुल किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटनी, मिंट डिप, जो किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। हमने ये पुदीने की पत्तियों को अच्छे से धो लिया है, बिल्कुल फ्रेश हैं। और ये हरी मिर्च लेंगे हम, दो ले लेते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है। और इनको हम ग्राइंड करते हैं। ये एक मुट्ठी पुदीना और उसमें हमने ये एक ही हरी मिर्च डाली है। और ये लिया है हमने नींबू का रस, आधा नींबू का रस ले लें आप, एक चम्मच के करीब हो जाता है। थोड़ा सा डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार। और इसमें हम डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, साथ ही ग्राइंड कर लेंगे हम ना सब कुछ डाल के। 1 टेबलस्पून और ये लेंगे अब 2 टेबलस्पून। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और अब हम डालेंगे इसमें मेयोनीज, एगलेस मेयोनीज है तो 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून, अच्छे से भर के 4 स्पून और ये 5 स्पून। अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। वाओ, सब कुछ इतना बढ़िया से ब्लेंड हो गया है। आप देखिए ये मिंट चटनी बहुत अच्छी स्मूथ बनी है। ये मैंने थोड़ी मात्रा में बनाई है और इसमें एक ही हरी मिर्च सफिशिएंट है। देखिए किस तरह से ये डिप बनी है, बिल्कुल होटल स्टाइल डिप है। और मैंने यहाँ टेस्ट करके देखा है, खट्टापन, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी इंग्रेडिएंट्स। एक हैंडफुल अच्छा धुला हुआ पत्ती जो है पुदीने की, आधा नींबू, नमक स्वाद के अनुसार और आपकी मेयोनीज, बस इसी से, और ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, बस इसी मेजरमेंट से आप बनाइए और बहुत यमी सी ये डिप बनकर तैयार हो जाएगी। तो करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखिए है ना यमी सी तैयार। ये डिप खाएंगे ना तो आप बाकी सब डिप भूल जाएंगे, इतनी अच्छी मिंट की खुशबू, पुदीने की खुशबू है। ये देखिए बहुत स्मूथ ये बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। टेस्ट करके देखिएगा और जरूर बनाइए एक बार। तो इसको करते हैं पुदीना पत्ती से गार्निश। और ये हमारी यमी सी लगने वाली डिश, यमी सी लगने वाली जो मिंट है, मिंट डिप है, वो तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।